अब हम लोग पृष्ठ संख्या 87 का प्रश्न उत्तर क्या करेंगे लिखेंगे। अच्छा देखो, इसमें प्रश्न एक पूछ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कि उस उत्तक का नाम बताना है जो हमारे शरीर में गति उत्पन्न करता है। कौन उत्तक होगा? पेशीय उत्तक। उसका क्या नाम होगा? पेशीय उत्तक। और दूसरा का ही कह रहा है कि न्यूरॉन देखने में कैसा प्रतीत होता है, छोटे पौधे के। हो गया उत्तर। चलो देख लो, ये जो क्वेश्चन आपका, देखो शरीर के गति के लिए, शरीर के गति के लिए किस उत्तक की आवश्यकता होती है? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बस शरीर के अंदर जो गति होता है किस उत्तक के कारण होता है। अगला लिख लेना, करेगा न्यूरॉन देखने में कैसा दिखाई देता है, लिख लेना न्यूरॉन देखने में छोटे पौधे के समान दिखाई देता है। न्यूरॉन देखने में छोटे पौधे की तरह दिखाई देता है। चलो नोट कर लो।